नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनोवेंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर नया सप्लायर एंड नया कस्टमर कैसे ऐड करें। नया सप्लायर ऐड करने के लिए आप जो लेफ्ट हैंड साइड क्विक एक्सेस पैनल है उसमें सप्लायर टैब पर क्लिक करें और सप्लायर टैब के अंदर जो न्यू सप्लायर बटन है उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू सप्लायर बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू लेजर विंडो ओपन हो जाएगी। इस न्यू लेजर विंडो में आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लेजर ग्रुप जो है सन्ड्री डेटर सिलेक्ट होके आया है। यहाँ पे आप लेजर का नेम, लेजर का प्रिंट नेम, एलाइस नेम, कंट्री, स्टेट, जीएसटी इन डिटेल, ईमेल, अल्टरनेट ईमेल आईडी, उनका जो मोबाइल नंबर है, सब इंफॉर्मेशन, इवन बैंक डिटेल्स सब ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम एक नया सप्लायर ऐड करते हैं। सब डिटेल्स फिल कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। ये था सप्लायर कैसे ऐड करें। अब हम सीखेंगे कि न्यू कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हैं। न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पैनल में कस्टमर टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें न्यू कस्टमर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू कस्टमर बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू लेजर विंडो ओपन हो जाएगी। इस न्यू लेजर विंडो के अंदर आप आपके कस्टमर से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। हम उनका ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। देखिए, जब हमने सप्लायर ऐड किया था तो यहाँ जो बैलेंस था वो क्रेडिट था। तो क्रेडिट या डेबिट, जो भी आपको आपके कस्टमर का बैलेंस है ओपनिंग, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है स्टेट, कस्टमर के जो एड्रेस है उसकी स्टेट भी आप केयरफुली सिलेक्ट कीजिए। उनका जीएसटी एंड डिटेल्स डालिए, देन उनकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे केयरफुली फिल करके आप ओके बटन प्रेस कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जितने भी लेजर्स हैं उनकी आप लिस्ट देखना चाहते हैं, आप मास्टर में जाके लेजर पे क्लिक कीजिए। ये आपके सारे जो लेजर्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि इनोवेंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू सप्लायर एंड न्यू कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।